सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो आपका टीजीटी का एग्जाम होने वाला है D++B का, इसमें किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस सेक्शन से क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स की यही क्वेरीज हमारे पास आ रही है कि मैम एक वीडियो सिलेबस पर आप डिटेल में बना दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कॉमन पेपर है, जो D++B में अगर आपने अप्लाई किया है, तो फ्रेंड्स अगर आपने TGT के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो आपकी TGT के लिए बना रही है। इसमें आपके दो सेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। TGT के पेपर के आपके दो पार्ट रहेंगे और क्वेश्चन पेपर आपका, देखिए मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। MCQ में आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वन टायर एग्जाम रहेगा और यहाँ पर टू सेक्शन रहेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, टू पार्ट रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि दोनों आपके 100-100 मार्क्स के अलग अलग होंगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपके टोटल यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 100 क्वेश्चंस आपके ए पार्ट में आएंगे, सेक्शन ए में, और 100 क्वेश्चंस आपके बी पार्ट में आएंगे, जो कि 100 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, 100 का आपका बी पार्ट, 100 का आपका ए पार्ट, टोटल आपके यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आएंगे, पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स रहेगा, 200 का ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज रहने वाली है वो आपकी दोनों रहेंगी, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पर सेक्शंस देखिएगा फ्रेंड्स, ए सेक्शन में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस जो कि आपकी सेक्शन ए में आने वाली है, 20 मार्क्स की रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की रहेगी। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके यहाँ पर 20-25 चीजें हो गई आपकी, 100 मार्क्स का आपका ए पार्ट हो गया। ठीक है, और जो सेक्शन बी है आपका, और ये सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। मान लीजिए आपने हिंदी TGT के लिए अप्लाई किया है या SST TGT के लिए अप्लाई किया है, तो आपको इस सेक्शन में सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मिलेंगे, और प्लस आपकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी होती है, यानी जो BEd में आपने किया है, CDP जिसे आप बोल सकते हैं, वो सब आपका यहाँ पर पूछा जाएगा 100 मार्क्स में। तो फ्रेंड्स, 200 आपके ये दो सेक्शंस के इस तरह से डिवाइड हो गए। और अब फ्रेंड्स, जो सेक्शन ए में डिटेल में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको डिटेल में क्या कुछ करना होगा वो हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ बता देते हैं। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, इसमें एनालॉजी आपको करनी है, सिमिलैरिटी आपको करनी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग और वर्बल एंड फिगर जो क्लासिफिकेशन होती है ये भी करनी पड़ेगी, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ये आपकी जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का सिलेबस रहेगा फ्रेंड्स। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि सिलेबस आपकी आंखों के सामने रहेगा और जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों के पास 1 महीने का ही समय रह गया है, तो इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग टॉपिक वाइज चीजों को करेंगे, इधर उधर चीजों को ढूंढने की बजाय, एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने की बजाय, जो आपके एग्जाम में आएगा सीधे डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाना है। और फ्रेंड्स, अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिएगा, अरिथमेटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, LCM और HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल्स एंड ग्राफ्स, ये सब फ्रेंड्स इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये सब आप कर लीजिएगा, ये दोनों सेक्शन आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको क्या करना होगा, शब्दावली आप मेनली कर लीजिएगा,
ग्रामर आप कर लीजिएगा, वाक्य संरचना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और इसका सही उपयोग, ये मेन मेन चीजें आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। और ग्रामर में फ्रेंड्स आपका संधि, समास, तत्सम, तद्भव, ये सब आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन में वोकेबुलरी आपको अच्छे से कर लेनी है, ग्रामर आप कर लीजिएगा, जो बेसिक टॉपिक होते हैं आर्टिकल, टेंसेज, ये सब, और सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आपको करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस, ठीक है, ये सब आप इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। दोनों लैंग्वेज के सेक्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है ये आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे की जो साइंस होती है और साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये सब आप कर लीजिएगा। जीके का सिलेबस थोड़ा आपका ब्रॉड है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये सेक्शन आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो जीके सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम निकालने में बहुत मदद करेगा, प्लस पॉइंट आपका रहेगा। जीके कर लीजिएगा और लैंग्वेज वाला ये पोर्शन है इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिक यही चीजें हैं जो आपकी कॉमन पेपर में आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। कॉमन पेपर में आपका जो आने वाला है वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और प्लस फ्रेंड्स आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड पेपर है, सेकंड जो पार्ट है आपका सेक्शन बी, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन को कराने में, इसका अहम रोल रहेगा सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लीजिएगा और यहाँ पर जीके के पोर्शन को आप मजबूत कर लीजिएगा और ये लैंग्वेज वाले पोर्शन को, ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इनमें से जो टॉपिक आपको अच्छे से आप कर पाए उन्हीं को आप करिएगा, बाकी ज्यादा यहाँ पर आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अचीव करना है, उसके लिए मेन मेन टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं, इनको आप कर लीजिएगा, इससे बाहर फ्रेंड्स आपका एग्जाम नहीं आने वाला है। और फ्रेंड्स ज्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट पर आप कीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका मेन की है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट आपकी सक्सेस की चाबी है, सक्सेस की की कह सकते हैं आप इसे, एक ऐसा बिंदु है जो आपकी नैया को पार लगाएगा। तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग कहेंगे तो सब्जेक्ट में आपका क्या कुछ अलग से पूछा जाता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग चलता है, 0.25 आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जितनी चीजें करनी है अच्छे से करनी है क्योंकि समय आप लोगों के पास कम रह गया है, सिलेबस आपका ब्रॉड है। तो फ्रेंड्स आप सिलेक्टेड चीजें कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, सिलेक्शन आपका हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कंसंट्रेशन के साथ और कंस्टेंटली अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाना है। और हमसे जितनी हेल्प होगी फ्रेंड्स हम आप लोगों की हेल्प करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासेस रखते जाएंगे। और फ्रेंड्स हम आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, अभी फिलहाल में आप लोगों की हम CDP की क्लासेस जिसमें की टीचिंग एप्टीट्यूड हम आप लोगों का बिल्कुल कवर करा रहे हैं। आप लोगों को टीचिंग मेथडोलॉजी से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का टीचिंग मेथडोलॉजी हम इतना अच्छे से करा देंगे कि यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जिस तरह से प्रिपरेशन करके हमने खुद सिलेक्शन लिया है फ्रेंड्स हम आप लोगों की वैसे ही मदद करेंगे ताकि 100% आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी पर इस टाइम फोकस कीजिएगा, इधर उधर की वीडियोज में आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कीजिएगा, जितना भी समय आप करेंगे रेगुलरली कीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है या एजुकेशन की कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।